भाई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जैसा मैंने आपको बताया कि भाई कम से कम 10 से 15 लाख, 15 से 20 लाख जनता का एस्टिमेट है। एंड भाई लाखों में रुद्राक्ष बढ़ने वाले हैं। रुद्राक्ष की भी टाइमिंग रहेगी जो कि मैं आपको कल बता दूंगा। एंड यहाँ पे देख रहे हो भाई बहुत बहुत मतलब यार कुबेरेश्वर धाम इसलिए फेमस है क्योंकि ये अपना एक भाई यहाँ पे आके मान्यता है कि भाई यहाँ के कंकड़ को तक पूजने से मालूम है आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाती है। सो हेलो गाइस, वैसे तो मैं यार व्लॉग बनाने निकला था एंड गाइस समथिंग इंटरेस्टिंग। तो गाइस मैं बताऊं कि यार मैं सीहोर से हूँ, आपको पता ही होगा। सो जिसको नहीं पता है मैं बता दूं कि भाई मैं सीहोर से हूँ और यहाँ पे सीहोर में अभी सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ चल रही है भाई कुबेरेश्वर धाम, जो कि भाई यहाँ सीहोर के पास ही है, सीहोर में ही आता है कुबेरेश्वर धाम। एंड भाई मैं सही बताऊँ तो रुद्राक्ष वितरण हो रहे हैं एंड यहाँ पर लाइन देख रहे हो गाड़ियों की कैसी लाइन आ रही है। यार मैं ऐसे ही नाइट ब्लॉक करने निकला था, ऐसे ही बाइक राइड के लिए निकला था। सोचा कि यार आपको कुबेरेश्वर धाम का यार थोड़ा रास्ता अपन दिखा दें कि भाई क्या भीड़ चल रही है और कितना माहौल बना हुआ है भाई यहाँ पे। और कुबेरेश्वर धाम का अगर मैं बताऊँ तो यार भाई अभी रुद्राक्ष बढ़ रहे हैं, रुद्राक्ष कल से बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे और वो बढ़ेंगे 27 तारीख तक अपने। एंड भाई 27 तारीख तक भाई जो भी लोग जिनको भी रुद्राक्ष चाहिए तो वो यहाँ पे आ सकता है। और भाई महाशिवरात्रि का पर्व है तो भाई महाशिवरात्रि में बहुत ही मज़ा आने वाला है एंड यहाँ का मतलब माहौल ही कुछ अलग होगा यार। और मैंने सुना है कि भाई कम से कम 20 से 25 लाख जनता आ रही है, मतलब समझ रहा हो इतनी बड़ी पब्लिक, मतलब इतनी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी होने वाली है। और भाई लोगों की बहुत ज़्यादा श्रद्धा है एंड बहुत लोग दूर दूर से आ रहे हैं भाई, जबलपुर और मतलब MP के कोने कोने से लोग आ रहे हैं भाई। और अभी देख सकते हो गाड़ियाँ कितनी चल रही है, ये देखो ये सारी की सारी वहीं जा रही है भाई जितनी भी गाड़ियाँ हैं। तो चलते हैं आपको, आज भी तो नाइट का टाइम हो रहा है और आज की डेट है अपनी कितनी 16 तारीख है आज। एंड भाई आज बहुत ही अच्छा लग रहा है घूमने में थोड़ा, तो मैंने सोचा यार चलते हैं कहीं घूमते हैं। एंड मैं चाय पीने रुका था एंड मेरे को पता चला कि भाई यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही है, मतलब अभी से बहुत ज़्यादा पब्लिक आ गई है। मेरे को लगा कि शायद दो एक दिन मतलब एक दिन बाद आएगा तो शिवरात्रि जैसे कि परसों है तो कल से जनता आएगी, लेकिन नहीं भाई आज से ही मतलब एक दो दिन पहले से ही जनता इकट्ठी हो गई यार। तो जल्दी से चलते हैं अपन कुबेरेश्वर धाम वाले रूट पे एंड यही रूट जाता है जो मैं जा रहा हूँ अभी। एंड आपको दिखाता हूँ वहाँ पे कितनी पब्लिक है एंड क्या भीड़ चल रही है, क्या माहौल चल रहा है अभी एक दिन पहले से ही। तो मैं आपको बताऊँ कि भाई सीहोर से कितना दूर पड़ता है अपना कुबेरेश्वर धाम। सीहोर से कुबेरेश्वर धाम 5 से 6 किलोमीटर दूर है, मतलब अगर मेन रेलवे स्टेशन पे आप उतरते हो तो मेन रेलवे स्टेशन से आपको टैक्सी या फिर कार्स वगैरह भी बहुत चल रही हैं क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा पब्लिक आ रही है तो सब लोगों ने अपनी कार्स लगा के रखी हैं। तो और यहाँ के ऑलमोस्ट मैं अगर यहाँ की कंडीशन बताऊँ सीहोर की, भाई जो भी कुबेरेश्वर धाम आ रहा है अगर मैं सीहोर की कंडीशन बताऊँ तो भाई बहुत ही पब्लिक इकट्ठी है यहाँ पर, मतलब अरे 100 डायल कॉल आ रहा है। सो गाइस अभी ये अपना भोपाल वाला हाईवे लग गया है, ये भोपाल से आता भोपाल टू इंदौर और इसके बीच में ही पड़ता है अपना कुबेरेश्वर धाम। और हाँ मैं बता रहा था, सॉरी अभी फ्रेंड का कॉल आ गया था, तो मैं बता रहा था कि यार यहाँ की अभी करेंट कंडीशन ऐसी है कि भाई 20 से 25 लाख लोग आने का अनुमान है ऐसा, और वो भी 3-4 दिन के अंदर ही। तो सोच सकते हो भाई इतनी पब्लिक के अरेंजमेंट्स नहीं है, होटल सारे फुल हैं। होटल्स की अगर मैं बात करूँ तो रेलवे स्टेशन पर जाओगे ना तो कम से कम 2 से 3 गुना चार्ज हो रहा है भाई, लिटरली 2 से 3 गुना चार्ज हो रहा है। एंड भाई इतना फुल भरा हुआ है फिर भी जगह कहीं है नहीं, लोग वहाँ अपने घर पर रुकवा रहे हैं, ऐसी कंडीशंस आ गई है क्योंकि कुछ अरेंजमेंट्स। अब सोच सकते हो यार किसी भी जगह पे 20 से 25 लाख जनता का अरेंजमेंट ऐसे नहीं हो पाता यार, तो वही सीन है। तो जितनी जल्दी हो सके जो भी आ रहा है अपने अरेंजमेंट्स पहले से देख ले, अगर रुकना है तो पहले ही डील कर ले क्योंकि नाइट में आपको भटकना पड़ सकता है, हर जगह फुल मिलेगी ऐसा सीन है। और अभी से ही सारे होटल्स फुल हो चुके हैं ऑलरेडी और देख सकते हो उस साइड कितनी गाड़ियाँ जा रही है। एंड मैं अभी कुबेरेश्वर धाम वाले रोड पे ही जा रहा हूँ रूट पे, और अभी जाके देखते हैं रूट पे क्या सीन चल रहा है, मतलब कितनी पब्लिक्स हैं यहाँ पे, कितनी जनता है। और भाई मतलब ऑलमोस्ट यार सुबह से ही गाड़ियाँ चल रही है, मतलब आज सुबह से ही लोग बाग आ गए थे और बहुत जनता है भाई, बहुत जनता आई हुई है।
तो मेरी गाइडेंस यही रहेगी कि आप आओ तो पहले से ही होटल वगैरह देख लो, अगर स्टे करना है तो, अगर दिन ही दिन का है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दिन में दर्शन करो, अपनी मनोकामना पूरी करो, मांगो जो भी आपको चाहिए वो विश करो, एंड रुद्राक्ष वगैरह लेके आप निकल जाओ, क्योंकि नाइट स्टे में आपको दिक्कत होगी। और अगर शाम के टाइम में आप आ रहे हो ट्रेन से, तो शाम को आके भाई रेलवे स्टेशन के पास ही देखो, कहीं ना कहीं रूम्स अवेलेबल्स मिल जाएंगे, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी अरेंजमेंट हो जाएंगे। तो यही सीन था। बाकी अगर आपको इस ब्लॉग में अगर आगे चाहिए कुबेरेश्वर धाम के बारे में और भी जानकारी चाहिए, तो गाइस मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताओ। तो क्या है कि कल जैसे अपनी भाई 16 तारीख है, आज जैसे कल 17 तारीख है अपनी, तो अपन कल दिन में यहाँ पे आके जो भी चल रहा है, कैसे रुद्राक्ष वितरण होंगे, कैसे रुद्राक्ष वितरण होंगे और क्या क्या कंडीशंस है, क्या यहाँ पे कितनी मतलब लोग आ रहे हैं और कितनी अरेंजमेंट्स है, कैसी है मेन एरिया में, कहाँ पे क्या क्या है एंड क्या हो रहा है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर आप कमेंट कर दो तो मैं कल व्लॉग में आपको ये चीज़ें कंटिन्यू करूँगा एंड बहुत सी चीज़ें अपन कल आके देख लेंगे, एक और व्लॉग बनाएंगे, पूरा आपको रिव्यू दे दूंगा कुबेरेश्वर धाम का, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो गाइस अगर वीडियो ऐसे ही अच्छी लग रही है तो यार मेरे को कमेंट ज़रूर करना, लाइक करो वीडियो को, कम से कम 10-15,000 लाइक तो करवा दो यार, चैनल पे बिल्कुल भी लाइक्स नहीं है भाई। और अपन ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोज़ भी लेके आएंगे, और भी वीडियोज़ लेके आएंगे, तो अभी फटाफट मैं चलता हूँ आपको लेके कुबेरेश्वर धाम, चलिए देखते हैं क्या सीन है भाई। भाई ये देखो कुबेरेश्वर धाम, कम से कम सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ बहुत आगे, एंड ये देख रहे हो पब्लिक, देखो यार तुम पब्लिक देखो भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है, और ये देख रहे हो ये 1 किलोमीटर पहले से ही ये हाल है भाई, ये 1 किलोमीटर पहले से हाल है, जनता मतलब भाई पैदल जा रही है, 1 किलोमीटर पहले ही गाड़ियों को छोड़ दिया जा रहा है, मतलब यहीं से गाड़ियां टर्न ले रही हैं और निकल रही है, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा भाई जाम लग जाएगा, इतनी गाड़ियां आ रही हैं, बस वगैरह हर चीज़। तो ये देखो भाई, कम से कम मैं आपको बताऊँ तो इतनी जनता भाई कभी मैंने नहीं देखी यहाँ पर, जितनी आज देखने को मिल रही है, एंड देख सकते हो भाई ये ट्रैफिक है भाई, भाई ये ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है यार, पर्सनल गाड़ीज जो हैं भाई वो उनको दूर पे ही रोका जा रहा है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर से ही गाड़ी को रोक दिया जा रहा है। तो अपन अभी साइड से चलते हैं थोड़ा भाई कच्चे वाले रोड पे, ताकि अपन आगे निकल जाए, बाकी आगे मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ तक मेरी गाड़ी जा सकती है वहाँ तक आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। तो अभी ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊं तो जितनी जनता मेरे को दिख रही है भाई, कम से कम 1000-2000 जनता तो ऊपर ही है ये जो रोड पे भाई, कसम से। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ ऑटो भी पूरे फुल पड़े हुए हैं, ये भाई 1 किलोमीटर दूर से इतनी जनता है, तो सोच सकते हो भाई मतलब जो भी आ रहा है तो पहले से ही थोड़ा भाई अपने को तैयार करके आना, मतलब फैमिली के साथ आ रहे हो तो हर चीज़ की पहले तैयारी कर लेना, क्योंकि ये 2 दिन पहले की भीड़ है। एंड भाई अभी शिवरात्रि के दिन तो भाई मेन दिन है, तो भाई वही मतलब मेन दिन तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है, एंड भाई ऑलमोस्ट जैसा मैंने आपको बताया कि भाई कम से कम 10 से 15 लाख 15 से 20 लाख जनता का एस्टिमेट है, एंड भाई लाखों में रुद्राक्ष बढ़ने वाले हैं, रुद्राक्ष की भी टाइमिंग रहेगी जो कि मैं आपको कल बता दूंगा। एंड यहाँ पर देख रहे हो भाई बहुत मतलब यार कुबेरेश्वर धाम इसलिए फेमस है क्योंकि ये अपना एक भाई यहाँ पे आके मान्यता है कि भाई यहाँ के कंकड़ को तक पूजने से मालूम है आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाती है। एंड भाई ये जो जगह है ये कुबेरेश्वर धाम से पहले एक गाँव पड़ता है तो वो है, एंड यहाँ पे चारों तरफ भाई गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, ये देखो भाई
भाई। तो भाई जो भी आ रहा है सोच समझ के आना, थोड़ी तैयारी करके आना, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं मिलने वाली है। इसलिए मैंने बोला था कि नाइट का अरेंजमेंट पहले से ही कर लेना जितना हो सके। एंड कुबरेश्वर धाम की अगर मैं बात करूँ तो भाई अभी कुबरेश्वर धाम 8 किलोमीटर दूर है, अभी इस साइड है ही नहीं कुबरेश्वर धाम। कुबरेश्वर धाम का रास्ता इधर राइट साइड से है, एंड सोच सकते हो पहले से ही इतनी भीड़ लग गई है। तो चलो अपन चलते हैं दूसरी साइड, एंड दूसरी साइड भी दिखाता हूँ आपको जनता। ये 1 किलोमीटर पहले की जनता का है, इस 1 किलोमीटर पहले की जनता है, 1 से 1.5 किलोमीटर। और ये जो रास्ता दिख रहा है आपको यहाँ पे, यही कुबरेश्वर धाम का रास्ता है। तो मैं दूसरी तरफ से टर्न लेके आता हूँ, आपको रास्ता दिखाता हूँ अच्छे से। एंड भाई लाइन देख रहे हो गाड़ियों की कैसी लगी है, और यहाँ सारी जनता पैदल जा रही है भाई। कुबरेश्वर धाम की भीड़ यार, जो लोग भाई मतलब मानते हैं अच्छे दिल से, मैं भी मानता हूँ भगवान को, एंड भाई कसम से मतलब इतनी पब्लिक मैंने पहले नहीं देखी है जितनी अभी देख रहा हूँ। और बहुत ही अच्छी जगह है यार, आना चाहिए। और वैसे ही महाशिवरात्रि का दिन है, तो भोलेनाथ का दिन है भाई, तो इस दिन तो भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, तो सभी लोगों को आना चाहिए ऑलमोस्ट। और मैं कल नया व्लॉग लेके आऊँगा, कल दिन में आएंगे हम लोग, एंड कल दिन में आके मैं गाइस आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाऊँगा यहाँ पे, आपको बता दूँगा कि क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ताकि आपको आने में थोड़ी सुविधा हो और किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। तो गाइस यही है, एंड यहाँ बैरिकेड्स वगैरह लग गए हैं। तो फिलहाल गाइस अभी कैमरा बंद हो गया था मेरा, एंड अभी चालू हुआ है। एंड अभी ये देख सकते हो, ये पार्किंग एरिया साइड गाड़ियाँ जा रही है। एंड मैं आपको बताऊँ सही में, तो ये देखो, ये मैंने फ़ोन पे मैप ऑन करके रखा है, ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ भाई। ये रहा कुबरेश्वर धाम अपना, ये वाला जो पॉइंट है, और इस पॉइंट से मैं ऑलरेडी इतनी आगे आ चुका हूँ, कम से कम 1.5 किलोमीटर आगे। ये यू टर्न हो रहा है यहाँ से, इधर से मेरे को यू टर्न करने को मिला, बीच में से कहीं यू टर्न मारने को नहीं मिला इतना लंबा 1 किलोमीटर का। एंड यहाँ से घूम के गाड़ियाँ इधर पीछे वाले रास्ते से जा रही हैं, ये वाले रूट से होते हुए। तो सोच सकते हो ऐसा रूट बनाया ताकि गाड़ियाँ ज़्यादा उलझे ना। एंड ये रही, अभी देख रहे हो लाइन बाय लाइन कार्स आ ही रही हैं भाई। आपको एक और बार आगे से चल के अच्छे से दिखाता हूँ कितनी जनता आ रही है। बहुत पब्लिक है भाई, बहुत पब्लिक है। तो भाई महाशिवरात्रि में मुझे नहीं पता भाई क्या हाल होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट भाई अभी अगर मैं देखा जाए तो ये पूरी लंबी लाइन जा रही है ना यहाँ से वहाँ तक, ये पूरी राउंड होते हुए जाएगी, कम से कम 1.5 किलोमीटर घूमते हुए। सो गाइज अभी मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैंने आपको मैप पे दिखाया, आपने रूट देख लिया होगा। तो कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर जनता घूम के जा रही है, जो भी 4-व्हीलर्स हैं उनको 1-2 किलोमीटर घुमा के राउंड मार के जाना पड़ेगा। और बीच में जितने भी खेत हैं वहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हो, पार्किंग चार्ज मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ पर गाड़ी का है, एंड 4-व्हीलर का ज़्यादा होगा भाई, क्योंकि अभी ना जितनी जनता है भाई संभालना मुश्किल है, तो उस हिसाब से पार्किंग चार्जेस भी ज़्यादा ही रहेंगे। और अभी अपन चलते हैं आगे, और ये देखो यार गाइस, ये देखो भाई मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से आगे आप जाओगे तो उधर भाई आपको जगह ही नहीं मिलेगी, चलने तक लोगों के लिए जगह नहीं है। तो अपन मैं यहीं का हूँ, सो गाइस मैं यहीं का हूँ, तो मैं आपको अरे 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 भाई साहब क्या कर रहे हो, कहाँ घुसा रहे हो। सो गाइस मैं यहीं का हूँ, तो मैं यहाँ आ सकता हूँ, कल आता हूँ मैं यहाँ पे, एंड आपको जो भी सीन रहेगा यहाँ पे अच्छे से बताऊँगा। और भाई गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है, अभी थोड़ा क्या ट्रैफिक के बीच में से निकलना पड़ेगा अपने को जल्दी जल्दी। तो मैं अभी निकल रहा हूँ यार घर की तरफ, एंड यहाँ का जो भी माहौल था गाइस मैंने आपको दिखा दिया। एंड देखो भाई अभी भी पब्लिक जा रही है, मतलब उस साइड से आते टाइम मैंने आपको दिखाई थी पब्लिक 1-2 किलोमीटर की, एंड अभी जाते टाइम भी दिखा रहा हूँ ये 1-2 किलोमीटर की पब्लिक होगी ऑलमोस्ट भाई, मतलब आने जाने की साइड से 2 से 3 किलोमीटर पहले ही गाड़ियाँ मतलब वो हो रही है,
मतलब छोड़ के जा रही हैं जो कि रूट के लिए आई हैं। बाकी जो पर्सनल व्हीकल्स हैं अभी जहाँ मैं गया था वो पीछे वाला जो रास्ता है वहाँ से लेके जा रहे हैं, मैंने आपको दिखाया था। और कुब्रेश्वर धाम भाई इस साइड है, लेफ्ट साइड में पड़ता है मेरे, इंदौर साइड से आ रहा हो, भोपाल साइड से आ रहा हो तो राइट साइड में पड़ेगा आपको। और अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ से कम आधा एक किलोमीटर अंदर है। एंड वो जो जगह दिख रही है आपको, पता नहीं यार कैमरे में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, लाइटिंग वगैरह है बहुत सारी, तो वही अपना कुब्रेश्वर धाम है। एंड वहाँ तक अभी जाने देंगे कि नहीं नहीं पता, लेकिन कल मॉर्निंग में आता हूँ क्या नाइट में तो समझ भी नहीं आ रहा है, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है भाई जगह कहाँ से कहाँ जाना है और क्या सीन चल रहा है, तो इस वजह से। बाकी ये रहा कुब्रेश्वर धाम, लोग बाग भाई यहाँ से गाड़ी लेके जा रहे हैं तो ये शायद पार्किंग होगी, एंड पार्किंग पर जाएगी जनता, फिर अंदर जाएगी कुब्रेश्वर धाम। तो सीन कुछ ऐसे ही था, आपको मैंने रास्ता दिखा दिया है। एंड मेन रोड अगर मैं बताऊं कुब्रेश्वर धाम का तो ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे मैं आया हूँ अभी, ये वाला पॉइंट जो है वो मेन है। गाइस ये वाला जो रोड है ना ये मेन रोड है। एंड फाइनली यहाँ पे आ गए हैं, ये ऊपर देख सकते हो कुब्रेश्वर धाम लिखा हुआ है, तो यही है भाई मेन कुब्रेश्वर धाम। एंड यहाँ पे आई हुई जनता, जनता की आस्था, ये सब आपको दिख रही होगी यहाँ पे। सो ये मेन रोड है, यहाँ अंदर गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, तो आपको यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, कम से कम आधा किलोमीटर अंदर है, तो ये वाला सीन है। एंड देखो पुलिस प्रशासन पूरी लगी हुई है, एंड यहाँ से देखो लाइन जा रही है अंदर तक। तो लोग बाग क्या कर रहे हैं कि यार थोड़ा दर्शन कर रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ रुक रहे हैं, जिनको रुद्राक्ष चाहिए वो लोग कल फिर से विजिट करेंगे, कल आएंगे दिन में, क्योंकि रात के टाइम रुद्राक्ष नहीं बढ़ते हैं, दिन के टाइम बढ़ेंगे। तो लोग बाग अभी आते हैं, दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ जगह जो भी हॉल मिल रही है, जो भी जगह मिल रही है वहाँ रुक रहे हैं, और कुछ लोग निकल भी रहे हैं जिनको अगर रुद्राक्ष नहीं चाहिए, और बाकी लोग यहीं पर रुक रहे हैं ताकि कल वापस आके ले सकें। तो अगर गाइज ये ब्लॉग अगर आपको चाहिए महाशिवरात्रि का, कि महाशिवरात्रि के दिन कैसा क्या माहौल रहेगा, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर बनाऊंगा वीडियो इसके ऊपर भी, और कल भी एक वीडियो आके मैं दिन में बना दूंगा कि दिन में क्या सीन चल रहा है अपना, कितना ट्रैफिक रहता है, तो वही है। तो गाइस वीडियो अभी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और अभी नाइट का टाइम भी हो गया है, मैं 8 बजे का निकला था और अभी 8:30 बज रहा है, मतलब 7:30-8 बजे का निकला था, तो यहीं पे कम से कम मेरे को 1 घंटे से ऊपर लग गया है। सो गाइस ऐसे ही यार मेरे चैनल पे बने रहे, एंड कुब्रेश्वर धाम के अपडेट्स मैं देता रहूँगा इस चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 2-3 दिन में जो कुछ भी होता है उन सब की अपडेट मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको। मैं कोशिश करूँगा जितनी चीज़ें कवर कर सकूँ उतनी चीज़ें कवर करूँगा, एंड कमेंट करके बताना जिसको जो कुछ भी मतलब अगर पता करना है यहाँ के बारे में, तो वो चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा उस चीज़ की। और ऐसे वीडियो देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करके जाएं चैनल को। मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, तो सी यू गाइस, ऐसे ही बने रहें। सो अपन मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।